जनपद संभल के चंदोसी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन डीएम की अध्यक्षता में हुआ, जहां पर डीएम के साथ साथ जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकेत संभल द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर 25 अप्रैल को जिलाधिकारी महोदय संभल को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में चेतावनी दी गई थी कि 8 मई तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 9 मई को आवारा पशुओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट भजोई पर विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिससे जिले के समस्त अधिकारियों में हड़कंप मच गया और जिले के अधिकारियों, LIU, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदेश प्रमुख महासचिव विजेंद्र यादव से संपर्क साधा गया और 7 मई को वार्ता के लिए अनुरोध किया गया। बार बार अधिकारियों के अनुरोध करने पर विजेंद्र यादव द्वारा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से सलाह लेने के बाद वार्ता के लिए आश्वासन दिया गया तथा तय हुआ चंदोसी में उप जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में वार्ता होगी। जिलाधिकारी संभल, पुलिस अधीक्षक संभल के नेतृत्व में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जिले के समस्त अधिकारी, 8 सूत्रीय मांगों के संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। किसानों ने विभिन्न बिंदुओं पर मुख्य रूप से समस्याएं प्रस्तुत की, जिसमें से प्रथमता चकबंदी विभाग से संबंधित है। चकबंदी विभाग के अंतर्गत यहाँ पर कई गांव चकबंदी में हैं, जिनके कब्जे समय पर ना मिलना या फिर चकबंदी में SOC DDC की पोस्टिंग ना होने के कारण कुछ मामले लंबित रह जाना, इसके संबंध में किसानों ने शिकायत करी है। शासन को इस संबंध में पत्र लिखकर हम लोग कहेंगे कि DDC की अगर पोस्टिंग हो सके तो हो जाए। और वर्तमान में ADM FR के पास चार्ज है, उनको भी मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगर किसानों से संबंधित कोई भी मामला है तो उसको तत्परता से सुलझाया जाए। दूसरा, बिजली से संबंधित काफ़ी शिकायतें हैं। वर्तमान में हमारे समस्त बिजलीकर्मी, समस्त XCN, STO, JEE जो है, लगातार फील्ड में पहुँचते हैं ताकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। विशेष रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की समस्या ज़्यादा पाई जा रही है, उन क्षेत्रों के लिए MD विद्युत को भी लिखा गया है। वहां पर क्षमता प्रवर्धन करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है और अगर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की कोई लापरवाही परिलक्षित होगी बिजली समय पर, जिसके कारण किसानों को या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में या लोगों को ना मिल सके, तो उसके संबंध में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ बिंदु स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सेवाएँ सभी लोगों को मिले उसके संबंध में, और साथ ही साथ कुछ जगह पर अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स या क्वैक्स के संबंध में शिकायत आई है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर और एक फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी की गई है, और अगर कोई और शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी। सर, जनपद में पैथोलॉजी लैब चल रही है, जो दूसरी संस्थाओं के नाम पर यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? देखिए, अगर कोई भी ऐसा निजी पैथोलॉजी लैब जो कि बिना सक्षम डॉक्टर्स के चल रही हैं और उसमें यदि किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त। अब पहले चंदौसी चल रही है, लेकिन दिल्ली से उन्होंने जो है डॉक्टर का नाम उन्होंने यहाँ रख रखे हैं, तो उसमें सर क्या हुआ? देखिए, किसी भी लैब को चलाने के लिए किसी ना किसी पैथोलॉजिस्ट के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन होता है और उस लैब के जितने भी सैंपल्स हैं उनका निरीक्षण, उनकी जांच उस पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही की जानी होती है। यदि यहाँ पे कोई लैब का सैंपल कलेक्शन सेंटर है और उसकी जांच विधिवत रूप से पैथोलॉजिस्ट के द्वारा की जा रही है तो उसको चलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अगर लोकल लेवल पर ही अगर कोई फर्जी तरीके से सैंपलिंग करके जांच कर रहा है और फर्जी रिपोर्ट लगा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई जाएगी और ऐसे पैथोलॉजी सेंटर्स को सील भी। थैंक यू।